वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। मेरा नाम तलवीर सिंह है और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि हमारा फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको कैसे डील किया जाए उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको बताई थी। आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज से हम पेपर 1 की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है रिसर्च का। इसी तरह हम लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी रिसर्च के लेक्चर बनेंगे वो आपके साथ हर टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर 2 के लिए मैं सिर्फ MCQ सॉल्व करूंगा और पेपर 1 के लिए डिटेल्ड एनालिसिस होगा हर क्वेश्चन हर टॉपिक का, और उसके बाद फिर उसके MCQ सॉल्व किए जाएंगे। आई होप कि आपको ये मेरी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको रिसर्च की मोर देन 30 टर्म्स मैं आपको बता दूंगा और इससे आपके रिसर्च के जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखो मेरा हर लेक्चर इसी तरह से आएगा। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसकी टर्मिनोलॉजी एक बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी रिसर्च टॉपिक के बेसिक स्ट्रॉन्ग कहाँ से होते हैं उसकी टर्म्स से। तो मैं पहले 1-2 लेक्चर टर्म्स पे ही बनाऊंगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टर्म आपको बता सकूंगा मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। अगर आप देखो तो री प्लस सर्च मतलब कुछ आप रिसर्च कर रहे हो, मतलब जो काम पहले हो चुका है, जो सर्च पहले हो चुकी है उसको आप दोबारा कर रहे। क्लियर है? ये एक सिंपल मीनिंग है। एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी मतलब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या कोई इंक्वायरी कर रहे हो उसे भी रिसर्च बोल रहे हो। एन अटेम्प्ट टू इलिक्ट फैक्ट्स, अ सिस्टमेटिक एंड स्कॉलरी एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, अ स्टेट ऑफ माइंड, जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। आप सिंपल सी ये बात याद रखना, रिसर्च का मतलब क्या होता है। एक चीज आपको पता है उससे आपने एक ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जो आपको नहीं पता, इसी को हम क्या बोलते हैं रिसर्च। तो ये सिंपल है। रिसर्च मतलब सर्चिंग अगेन, कुछ काम पहले हो चुका है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम नेक्स्ट उसमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए। एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक साइंटिफिक वे होता है जिसे हम क्या बोलते हैं रिसर्च, मीन्स रिसर्च। सेकेंड देखते हैं टर्म हमारी अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अ रिसर्च स्टडी। तो देखिए रिसर्च की जो स्टडी होती है ना उसका हम एक अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। जैसे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं ना तो रिसर्च पेपर का एक अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं जो पहले होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो होता है 8-10 लाइंस का। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक आइडिया। अब्स्ट्रैक्ट कोई रियल नहीं होता है, एक आइडिया होता है। ये मतलब एक्चुअल में नहीं होता, ये सिर्फ आपके माइंड में होता है। मतलब आप किस तरह से इस किसी चीज को करोगे, आप किस तरह से रिसर्च करोगे। रिसर्च एक्चुअल में होने से पहले आपके माइंड में उसका एक आइडिया ही आता है, एक्चुअल रिसर्च उसके बाद ही स्टार्ट होती है। तो उस आइडिया को या उस ओवरव्यू को हम क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी का वैसे मतलब देखें तो मतलब शुद्धता, अगर प्योर हिंदी में बोलूं एक्यूरेसी। बट अगर मैं रिसर्च की टर्मिनोलॉजी से बात करूं तो टारगेट पॉपुलेशन और सैंपल को मैच करना, मतलब एक हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है उसमें से हम कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ये सैंपल इस पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम बोलेंगे दैट इज एक्यूरेसी। मतलब जो जो चीज आप चाहते हो अगर वो आपको मिल रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्यूरेसी। बेंचमार्किंग, तो देखो बेंचमार्किंग मतलब आपके पास एक बेंच है उस पर आपने एक मार्क लगा दिया कि ये टॉप है, सिंपल इस तरह से आप याद रखो। मतलब कि मार्केट में जो भी बेस्ट चल रहा है ना, चाहे वो रिसर्च में है चाहे आपकी क्लास में है, तो आप एक बेंचमार्क सेट कर लेते हो। अब मार्केट में देखते हो ना किसी कंपनी की सेल हो रही है वो पर ईयर 100 करोड़ हो रही है, बट आपकी इतनी नहीं हो रही, तो सबसे ज्यादा 100 करोड़ हो रही है। तो ये आपके लिए क्या है, एक बेंचमार्क है, मतलब मैयर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए, ताकि आप इसको
अचीव तो नहीं कर सकते, इसके आसपास जाने की आप कोशिश करोगे तो आपके लिए ये एक टारगेट हो जाता है, ठीक है, टारगेट बन जाता है। सिंपल सी बात है, बेंचमार्क उसको बोलते हैं, मतलब कि जो मार्केट में या किसी भी एरिया में सबसे टॉप पे बंदा बैठा है, जस्ट टॉप पे कंपनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन को क्या बोलते हैं, बेंचमार्किंग। डेटा, डेटा क्या होता है बेसिकली, जिससे हम इंफॉर्मेशन बताते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन बी नंबर्स और वर्ड्स, जो भी इंफॉर्मेशन होती है अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा एक रॉ फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पर आपके रॉ मटेरियल जिस तरह से होता है, फिर उसको आप प्रोसेस करते हो और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसी तरह से जो फिनिश्ड गुड बनती है, इसी तरह से ये जो रॉ मटेरियल हो गया ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। एक तरह से मतलब जो आप पहले सिलेक्ट करते हो, कलेक्ट करते हो, वो डाटा होते हैं, बट जब उसको प्रोसेस करते हो, उस पर मेथड्स लगाते हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिबिलिटी। तो देखिए क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, सिंपल सी वर्ड है, ट्रस्ट, किसी चीज पे ट्रस्ट करना। तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल का मतलब क्या है, अ रिसर्च अबिलिटी, मतलब एक रिसर्चर की अबिलिटी होती है टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द वे विच द स्टडी वाज कंडक्टेड। सिंपल सी बात है, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, आपने जो रिसर्च किया आपको उसी को वैसे ही रिप्रेजेंट करो, वो फिर सही रिजल्ट आ रहा है या गलत रिजल्ट आ रहा है, दैट डजंट मैटर। जो आपने रिसर्च किया है आप उसको बिल्कुल उसी तरह से विदाउट एनी मैनिपुलेशन जब प्रेजेंट करते हो तो उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। मतलब आपने ये नहीं देखा कि आपकी रिसर्च सही जा रही है या गलत, बट आपने अपनी क्रेडिबिलिटी शो की है कि हाँ ये मेरा टोटल एक जो रिसर्च है इस तरह से आई है, मैंने इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, जो रैंडमली जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। जब आप एक्यूरेटली बिल्कुल जो कुछ भी आपको मिलता है रिसर्च करके, जब आपको उस चीज को वैसे ही प्रेजेंट कर देते हो, दैट इज नोन एज क्रेडिबिलिटी। तो वैसे भी क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्थी। नेक्स्ट देते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो डाटा का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, तो क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप क्वांटिटी में 1, 2, 3, 100 इस तरह से जिस चीज को आप मेजर कर सको उससे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव डाटा, विच कैन बी क्वांटिफाई, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अ कॉलेज, ट्रेंड्स इन सेल फिगर्स, ये मैंने कुछ यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, जिस चीज को आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, जैसे नंबर्स हो गए, ठीक है, मिनट्स हो गया, आवर्स हो गया, मतलब जिसको 1, 200 ऐसे किसी भी तरह से आप क्वांटिफाई कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, जैसे आपका वेट हो गया, आपकी एज होगी, ऐसा आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ क्या है, एक क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा मतलब जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, रिलेटेड टू द क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंटेलिजेंस, जिसे हम IQ बोलते हैं या इंटेलिजेंस बोलते हैं, या आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, इस चीज को आप क्या क्वांटिफाई कर सकते हो, क्या बोल सकते हो कि भाई आपके पास 2 किलो एटीट्यूड है, आपके पास 3 किलो मोटिवेशन है, इस तरह बोल सकते हो आप, नहीं बोल सकते। तो इस तरह सी चीजें जो क्वांटिफाई हम नहीं कर सकती उनको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। तो इसको बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन से स्टडी करते हैं, एक मेथड होता है ऑब्जर्वेशन। जब हम क्वांटिटेटिव डाटा को यूज करते हैं तो हम सर्वे वगैरह क्वेश्चनर बना सकते हैं, बट जब क्वालिटेटिव डाटा को यूज किया जाता है तो हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ ह्यूमन वेरिएबल दैट इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, दैट इज मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम। तो देखो ये वही आ गया, कंस्ट्रक्ट हो गया या क्वालिटेटिव फैक्टर हो गए, मतलब जिसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जैसे आप अपनी मोटिवेशन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हाँ आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको मेजर कर सकते हो, बट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर और डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते। उसी तरह से सेल्फ एस्टीम कितना है, आपका एटीट्यूड कितना है, इसको हम रिसर्च की टर्म में क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट, मतलब वो फीचर्स जो सिर्फ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन की। नेक्स्ट देखते हैं कैजुअलिटी। तो देखिए इस वर्ड से क्या निकलता है, कॉज, कॉज, कॉज से बना है ये, कॉज एंड, जब जहां पर कॉज होगा वहां पर इफेक्ट भी होगा, ठीक है जी। तो जो चीज कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअलिटी, ठीक है। कोई कॉज हुआ उसके क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है जी, जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो उससे क्या हुआ, डिमांड
डिक्रीज होगी। ये क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको क्या बोलते हैं, कॉजलिटी। मतलब एक चीज में चेंज होने से दूसरी पर कुछ इम्पैक्ट होता है या नहीं, जब ये हम मतलब प्रूव कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैजुअलिटी। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी टर्म्स क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी। ये एक मेथड है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट या स्मॉल ग्रुप्स, मतलब उसकी एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेके उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। मतलब एक केस बना लेते हैं फिर उसको स्टडी करते हैं। अ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट और स्मॉल ग्रुप्स फ्रीक्वेंटली इंक्लूडिंग डाटा डिराइव्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट देमसेल्फ। मतलब जैसे कोई केस स्टडी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नोकिया कंपनी है, नोकिया की अगर मैं आपको केस स्टडी के बारे में बताऊं तो इसकी केस स्टडी क्या है कि नोकिया फेल क्यों हुई। अगर आप इस टॉपिक पे सर्च कर रहे हो, इस पे आप केस स्टडी पढ़ रहे हो या बना रहे हो, तो मतलब क्या है, नोकिया की पढ़ रहे हो तो इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से ही उठाई जाएगी, नोकिया की ही इन्फॉर्मेशन उठाई जाएगी। आप किसी और टॉपिक की इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं उठा सकते। तो केस स्टडी में क्या होता है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो आपको डायरेक्टली वो चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाता है केस स्टडी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जब इन डेप्थ स्टडी करते हो तो उसे बोलते हैं केस स्टडी। आगे जब हम रिसर्च के मेथड्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल अगर मैं बोलूं वेरी मतलब समथिंग दैट वेरीज, कोई भी ऐसी वैल्यू जो वेरी करती है, यहां पर 1 है फिर 2 हो गई फिर 3 हो गई, तो ये क्या है, वेरी कर रही है ना, यहां पर 1 थी यहां पर 2 थी यहां पर 3 थी। तो जो चीज भी वेरी कर रही है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और डायमेंशन होती है जो उसकी वेरी कर सकती है। क्लियर है। जैसे ए वेट है, वेट क्या है, एक वेरिएबल है ना, किसी का वेट है वो एक वेरिएबल है, क्योंकि वेट सेम तो रहता नहीं, आज 40 किलो है परसों 50 हो सकता है फिर 60 हो सकता है, मतलब वो वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट वेरीज। और इसके साथ एक होता है कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट रहता है मतलब वेरी नहीं करता, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट वेरीज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जो कन्वर्ट होता रहता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लासिफिकेशन, ऑर्डरिंग ऑफ रिलेटेड फिनोमिना इन टू कैटेगरीज ग्रुप्स और सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो ना तो वो सिर्फ डाटा कलेक्शन होता है, उसको बाद हम डाटा क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब आप टेबुलेशन फॉर्म में दे लेते हो डाटे को इस तरह से। मतलब यहाँ पर सपोज आपने एक पॉपुलेशन को स्टडी किया, एक स्कूल को स्टडी किया, तो स्कूल उससे आपने डाटा कलेक्ट किया, अब उसकी क्लासिफाई कैसे करोगे, आप उसको मेल फीमेल इस तरह से क्या कर सकते हो, क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन किस लिए किया जाता है, ताकि हम डाटे को अच्छी तरह से स्टडी कर सके, मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये भी हम डाटा एनालिसिस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंट्रोल ग्रुप का मतलब इन एक्सपेरिमेंट्स द वन दैट डजंट गेट ट्रीटमेंट। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, सपोज दो क्लासेस हैं, एक में 20 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी में 20 स्टूडेंट्स हैं। अब आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो कि एक क्लास को आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो या क्लासेस दे रहे हो, ठीक है जी। सपोज ये ए है और ये बी है, आप रिसर्च क्या कर रहे हो कि आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो इनको, और उसके बाद देखते हो कि इनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है या नहीं होती, ठीक है। ये आपका क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। एक को आप नहीं प्रोवाइड कर रहे और दूसरे को आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब जिसको आप ये बी जिसको आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जिसको आप मैनुपुलेशन कर रहे हो, वो होता है आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप। और जिसमें आप कुछ भी वेरिएशन नहीं कर रहे, इस ग्रुप को आप कुछ नहीं कर रहे, ये वहीं का वहीं पड़ा है, तो इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कंट्रोल ग्रुप, मतलब जिसको आप ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मतलब जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसको आप स्टडी नहीं कर रहे, जिसको ऐसे ही छोड़ रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल ग्रुप। कोरिलेशन स्टडी, ये मैंने अभी लास्ट लेक्चर में कोरिलेशन में बताया था। कोरिलेशन मतलब ए और बी में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन मतलब को का मतलब होता है साथ में, ठीक है, और रिलेशन का मतलब आपको पता ही है।
अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन दैट डिपिक्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बट नॉट नेसेसरली वन ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये समझ लीजिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सिंपल रिलेशनशिप, जो सिंपल रिलेशनशिप होता है ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हो गया हमारा कोरिलेशन मतलब। और अगर आप इसी रिलेशन को कॉज एंड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो तो वो हो जाता है आपका रिग्रेशन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब एक नॉर्मल रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है तो वो होता है हमारा कोरिलेशन। बट अगर आप उसी रिलेशनशिप को देखते हो कि एवरेज रिलेशनशिप या फिर जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो तो वो बन जाता है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट यू आर ऑब्जर्विंग। तो देखिए वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, ये सुप्रीम है, मतलब ये तो इस पे तो किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बट डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे देखो प्राइस और डिमांड, अब जो प्राइस है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप यहां पर डिमांड को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे प्राइस पे। क्लियर है? तो इस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो और वो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है, मतलब इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, ये किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करके अपनी जो वैल्यूज है वो लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव देखो याद रखना हमेशा, जहां पर भी डिस्क्रिप्टिव आ गया ना, इसका मतलब होता है व्हाट इज, सिंपल सी बात है, ये शॉर्टकट इसका लिख लीजिए, ये आपको कंफ्यूज करने वाली टर्म्स है, नेक्स्ट जब हम रिसर्च के मेथड्स पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब कैसे करना, जैसे वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, आई एम रिपीटिंग, डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना एज सच एज इट एग्जिस्ट, मतलब उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, उस चीज को वैसे ही आपने ऑब्जर्व करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। यहां तक आप सिर्फ इतना समझ रखिए, किसी चीज को अब विदाउट कंट्रोलिंग, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जब उसको स्टडी करते हो उसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंट, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया था, अ रिसर्च डिजाइन यूज्ड टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप द इफेक्ट ऑफ ऑन। ये देखिए ए चीज, ए और बी पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मतलब ए में कुछ चेंज किया और उसका बी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो जैसे एक्सपेरिमेंट है, आपको पता होगा साइंस में पढ़ते हो H2O मतलब पानी, तो हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर्स और ऑक्सीजन का दो न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर, ये सपोज ए है और ये हो गया हमारा बी, जब इन दोनों को मिला देते हो तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक एक्सपेरिमेंट। तो इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है, H2O पानी मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इफेक्ट है किसी पे कॉज, एक कॉज चीज होगी और दूसरा क्या हो गया, उसका इफेक्ट, मतलब कॉज क्या है, इन दोनों को मिलाना कॉज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना, और इफेक्ट क्या है, इन दोनों को मिलने से पानी बन जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मैंने जैसे आपको पहले बताया था एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको आप कुछ स्टडी नहीं करते, और जिस ग्रुप पे आप स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसको आप मैनुपुलेट कर सकते हो, जिसमें आप चेंज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आप ट्रेनिंग मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी क्लास को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ट्रेनिंग मेथड क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब अगर आपको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगती, ऑफ दी जॉब कर दो, आपको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग नहीं लग रही अच्छी, तो फिर कोई और मेथड यूज कर सकते हो, मतलब जिसको आप मैनुपुलेट कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। ये दो टर्म्स होती हैं, एक वैलिडिटी होता है एक रिलायबिलिटी होता है, इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वैलिडिटी का मतलब होता है द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट और स्टडी मेजर्स व्हाट इज सपोज्ड टू मेजर, मतलब वैलिडिटी जिस काम के लिए आप रिसर्च कर रहे हो क्या वो काम हो रहा है,
जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, अगर आप किसी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी क्लास की प्रोडक्टिविटी देखने के लिए, ठीक है, आप किसी एक क्लास पे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिससे आप उसकी प्रोडक्टिविटी पता करना चाहते हो, बट क्या आपको उसकी प्रोडक्टिविटी मिल रही है या नहीं, या कुछ और ही एटीट्यूड मिल रहा है, या कुछ और ही मोटिवेशन मिल रही है? अगर तो मोटिवेशन या एटीट्यूड मिल रहा है तो दैट इज नॉट वैलिड, अगर प्रोडक्टिविटी मिल रही है तो दैट इज वैलिड। इसका मतलब जिस काम के लिए आप रिसर्च कर रहे हो अगर वो आपको रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मतलब द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर्स, मतलब विद इन द स्टडी की जा रही है कि विद इन द स्टडी जब हम कुछ स्टडी करते हैं, कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो क्या हमें वो रिजल्ट एक्चुअल में मिल रहे हैं जो हम लेना चाहते हैं। अगर वो इंटरनली बात हो रही है तो वो इंटरनल वैलिडिटी हो जाती है, और अगर एक्सटर्नली बात कर रहे हैं तो वो होती है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाउ अ टर्म इज यूज्ड इन स्टडी, इसको आप ध्यान से देखिए। ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब आप किसी वर्ड को अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन चेंज कर देते हो, ठीक है, मतलब रिसर्च, इसका अगर रिसर्च में एक्चुअल यूज कर रहे हो तो कुछ इसकी और डेफिनेशन होगी, बट अगर किसी और टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हो तो उसकी कुछ और डेफिनेशन होगी। तो जिस तरह से आप स्टडी में उसको यूज कर रहे हो उस डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन। पॉपुलेशन, तो देखिए पॉपुलेशन ये वो नहीं है जो इंडिया की लगातार बढ़ रही है, ये हमारी सैम्पलिंग के रिलेटेड है, मतलब एक आपका ग्रुप है, जैसे अगर एक क्लास में आप स्टडी कर रहे हो और उसमें 40 स्टूडेंट्स पे आप स्टडी कर रहे हो, तो ये 40 आपकी क्या हो गई, पॉपुलेशन, मतलब ऑल ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, जिस ग्रुप पे आप स्टडी कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ये स्मॉल भी हो सकती है, ये लार्ज भी हो सकती है। रैंडम, रैंडम बाय चांस, रैंडमली जब आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बैग है उसमें चार पांच बॉल्स पड़ी हैं, आप आंखें बंद करके उसको एक बॉल निकाल लेते हो, वो अलग अलग कलर की है, अब पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कलर की बॉल है वो बाहर आ सकती है, तो इसको क्या बोला जाता है, रैंडम, रैंडम बाय चांस, ठीक है जी। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बस आप ये समझ लीजिए कि रैंडम का मतलब क्या होता है, बाय चांस। और लास्ट में है सैंपल, सैंपल मतलब होता है एक पॉपुलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 40 स्टूडेंट है और इसमें से आपने सपोज चार स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो ये चार, ये 40 क्या होगी हमारी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन, और ये फोर क्या हो गया हमारा सैंपल, मतलब ये फोर टर्म्स इन 40 टर्म्स को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाना होता है तो क्या डॉक्टर आपका सारा ब्लड निकाल लेता है बॉडी से, नहीं निकालता ना, अगर आपकी बॉडी से पूरा ब्लड ही निकाल लेगा तो क्या रहेगा, जिंदा नहीं रह पाओगे, तो आपकी बॉडी से ब्लड का थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेते हैं जो आपके सारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल। सो दैट इज कॉल्ड सैंपल, जो आपकी बॉडी में पूरा ब्लड है वो एक तरह की आपकी होगी पॉपुलेशन, और उसमें से जो चीज आपने निकाल ली है वो क्या हो गई हमारा सैंपल, क्लियर है। तो ये तो थी आज की 25 टर्म्स, मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, क्योंकि मैं बुकिश लैंग्वेज पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट तरीके से निमोनिक से समझाने की कोशिश करूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें 25-30 और टर्म्स डिस्कस करेंगे, ताकि रिसर्च को एक्चुअल में डिस्कस करने से पहले आपके माइंड में एटलीस्ट हर टर्म का मीनिंग है वो क्लियर हो जाए, तो इसके बाद रिसर्च पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, अगेन आई एम सेइंग कमेंट कीजिए, क्योंकि रेगुलरली मैं वीडियोस डाल रहा हूं, अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।